जीवन भर की कमाई से लिया गया मकान काफ़ी अच्छा होना चाहिए। जी हाँ बिल्कुल, अपन पूरी ज़िंदगी भर कमाई करते हैं और एक अच्छा मकान ढूंढते हैं। अच्छा मकान ढूंढने के लिए अपन देखते हैं कि अपन को कौन से एरिया में लेना चाहिए, एरिया अपने अकॉर्डिंग होना चाहिए, विला अपने अकॉर्डिंग होना चाहिए, हर चीज़ इम्यूनिटीज अपने अकॉर्डिंग होनी चाहिए, आसपास में स्कूल कॉलेजेज अपने अकॉर्डिंग होना चाहिए। ये सब कुछ सोच के हम जब विला देखते हैं तो बिल्कुल ऐसा ही विला मैं आपके लिए लेके आया हूँ। और विला के बारे में हम सोचते हैं कि रोड से कितना नज़दीक होना चाहिए, गली मोहल्ले में होना चाहिए, हमारे पड़ोसी कैसे होने चाहिए, बिल्कुल सब कुछ चीज़ अच्छी होनी चाहिए। इसी के साथ मैं आपके लिए ये बिल्कुल अच्छा मकान गोकुलपुरा में लेके आया हूँ। हाँ बिल्कुल, आपके जयपुर शहर में गोकुलपुरा में ये मकान लोकेटेड है। अपन बात करें इसके एलिवेशन की तो 20x45 के डायमेंशन में, या मैं कहूँ कि ये 100 गज में आपका विला होने वाला है। तो अपन कर लेते हैं इस विला का टूर। विला का टूर करने से पहले मैं आपको और बता देता हूँ, आसपास में आपको स्कूल कॉलेजेस सब कुछ यहाँ अवेलेबल है। साथ में आपका ये विला है, आपका ये होने वाला मकान है, ये JD अप्रूव्ड है, 100 गज में आपका बना हुआ है, सेपरेट पट्टे में है। एक बार इसका ये आप फ्रंट एलिवेशन देखिए, काफ़ी अच्छा फ्रंट एलिवेशन इसका दिया गया है। साथ में अब करते हैं हम इसके अंदर का टूर। तो जैसे ही हम इसकी एंट्री करते हैं तो एंट्री पे आपको यहाँ अच्छे से आयरन के डोर दिए गए हैं, साथ में अच्छा स्पेस यहाँ पार्किंग के लिए भी काफ़ी अच्छा स्पेस दिया गया है। और बात कर लेता हूँ मैं कि आपका ये विला है, ये 4BHK होने वाला है। इसमें हमने 4 रूम दिए हैं, 2 रूम लेट बाथ किचन हॉल ऊपर दिए हैं और 2 रूम लेट बाथ किचन ही आपको नीचे में दिए गए हैं। तो आइए अब करते हैं अपन अंदर का टूर। साथ में फ्रंट में देख लीजिए, आपको यहाँ अच्छा सा डोर दिया गया है, वुडन की अच्छी क्वालिटी के साथ आपको डोर दिया गया है। हॉल की साइज़ काफ़ी स्पेस दी गई है, काफ़ी लुकिंग कलर के साथ में, काफ़ी अच्छी डिज़ाइंस के साथ में आपको हॉल यहाँ तैयार किया गया है। सामने ही आपको यहाँ LED पैनल दिया गया है। अब टूर करते हैं अपने किचन का। मॉड्यूलर किचन L-शेप में आपको यहाँ बना के दिया गया है, काफ़ी अच्छे यहाँ वुडन के वर्क के साथ में अच्छे डोर्स यहाँ आपको स्मूथली डोर्स यहाँ लगा के दिए गए हैं। अच्छी क्वालिटी की आपको यहाँ सेनेटरी की फिटिंग्स दी गई है। अब बात करते हैं हम अपने फर्स्ट बेडरूम के टूर की। तो फर्स्ट बेडरूम से पहले मैं आपको बताता हूँ, कॉमन वाशरूम आपको यहाँ फ्रंट में दिया गया है, इंडियन बाथरूम आपको यहाँ बना के दिया गया है। आपका फर्स्ट बेडरूम है, ये आपको मास्टर बेडरूम बना के दिया गया है। मास्टर बेडरूम भी काफ़ी अच्छा स्पेस में आपको दिया गया है। यहाँ फ्रंट में आपको पहले अंदर यहाँ वुडन की स्लाइडर डोर्स के साथ में कैबिनेट्स यहाँ बना के दी गई है। बैक साइड में आप देखिए, आपको यहाँ यूरोपियन बाथरूम आपको यहाँ दिया गया है, काफ़ी अच्छा स्पेस में दिया गया है। वॉल का और फोर सीलिंग का आपको कलर कॉम्बिनेशन यहाँ करके दिया गया है। बैक साइड में देखिए, आपको यहाँ पे बैकयार्ड एरिया दिया गया है, जो अपने अकॉर्डिंग आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, में साथ ही मैं आपको बता दूं, जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आने वाले अच्छे अच्छे वीडियोस आप देखिए, शेयर कीजिए, ताकि आने वाले हर प्रॉपर्टीज़ को आपकी निगाहें रहे और आप भूले नहीं इस प्रॉपर्टीज़ को आप देखने के लिए। और आप देखिए एक बार यहाँ पे फोर सीलिंग को देखिए, हॉल में काफ़ी अच्छी फोर सीलिंग दी गई है, जो भी अपने मकान की लुकिंग को बढ़ाती है। अब अपन टूर करते हैं अपने सेकंड बेडरूम का, यानी अपन इसको अपना गेस्ट बेडरूम भी कह सकते हैं। गेस्ट रूम में भी फ्रंट से एक डोर दिया गया है, साथ में विंडो दी गई है, ताकि एयर की और कोई प्रॉब्लम नहीं हो, या सफोकेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं हो। एक बार अपर वॉल देख लीजिए, काफ़ी अच्छी लुकिंग के साथ में वॉल से मिलती जुलती आपको यहाँ दी गई है। फ्रेंड्स, अब हमने टूर कर लिया अपने दोनों बेडरूम्स का, किचन का। अब टूर करते हैं अपने फर्स्ट फ्लोर का। और फर्स्ट फ्लोर का टूर आपको सेम एक बात बता दूं कि फर्स्ट फ्लोर भी हमारा सेम होने वाला है, यानी हम रेंट आउट कर सकते हैं। तो रेंट आउट, या हमारी फैमिली बड़ी है तो हमारे को उसी के अकॉर्डिंग हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही हम अपने फर्स्ट फ्लोर पे आते हैं तो सेम आपको यहाँ दिखाई देगा। और एक बात और मैं बता दूँ आपको, दोबारा यहाँ दिला देता हूँ कि सेपरेट पट्टे में 100 गज में आपका ये 4BHK विला है, आपका ये होने वाला है। सेम साइज दीजिए आपको, फ्रंट में आपको डोर दिया गया है, फिर यहाँ पे आपको कॉमन वाशरूम दिया गया है। कॉमन वाशरूम के साथ ही देखिए, काफ़ी अच्छी लुकिंग के साथ में, फिर आपको यहाँ हॉल को अच्छी क्वालिटी के साथ अच्छे कलर्स कॉम्बिनेशन आपको देख के और इसको तैयार किया गया है। साथ ही में आपको यहाँ वुडन की अच्छी क्वालिटी का TV यूनिट आपको यहाँ बना के लगा के दिया गया है। साथ ही में आप अपन टूर करते हैं अपने थर्ड बेडरूम का। उससे पहले आप देख लीजिए, आपको यहाँ की किचन बना के दिया गया है, वही L-शेप में है, काफ़ी अच्छी वुडन की यहाँ पे आपको डोर्स लगा के दी गई है, काफ़ी स्मूथ है, आपको हर चीज़ उसी के अकॉर्डिंग, आप ही के अकॉर्डिंग यहाँ दी गई है। अब आइए मैं टूर कराता हूँ आपके थर्ड मास्टर बेडरूम का। ये भी आपका सेम थर्ड मास्टर बेडरूम है, कलर कॉम्बिनेशन वॉल के साथ में, आप अपर वॉल का देखिए, काफ़ी अच्छा कलर कॉम्बिनेशन है, साथ में स्लाइड डोर के साथ में आपको यहाँ वार्डरोब बना के दी गई है।
आपको ये मास्टर बेडरूम है, आपको अंदर में बाथरूम दिया गया है जो कि यूरोपियन आपको यहाँ दिया गया है। बैकयार्ड एरिया भी आपको यहाँ सेम दिया गया है, काफ़ी अच्छे स्पेसिस में आपको बैकयार्ड दिया गया है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको यूज कर सकते हैं। अब हम टूर करते हैं अपने मास्टर और फाइनल बेडरूम का। तो मास्टर फाइनल बेडरूम का टूर करने से पहले मैं फिर आपको याद दिला दूं, एसएस होम्स की प्रॉपर्टीज़ को आप, एसएस होम्स के आने वाले हर वीडियोज़ को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आने वाले नए नए परचेज आपको जो करने को मिलते हैं, अच्छे अच्छे विलाज आपको देखने को यहाँ मिलेंगे। और ये देखिए एक बार बाहर में आप बालकोनी, काफ़ी अच्छी स्पेस में आपको बालकोनी दी गई है, तो आप आराम से यहाँ टीका लुप्त यहाँ उठा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम टूर करने के बाद में अपने प्राइस की। तो प्राइस की बात करने से मैं पहले फिर आपको बता दूं कि आप एसएस होम्स के वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। अब प्राइस की मैं जहां तक बात करूं तो 72 लाख में आपका होने वाला है, ये काफ़ी अच्छा और ये महल टाइप का आपका विला होने वाला है। नंबर हमारे साइड स्क्रीन पे बिलिंग कर रहे हैं, जब भी आपको इसका विजिट करना हो, आपको ये परचेज करना हो, आप मेरे नंबर पर कॉल कीजिए और मिलिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू, जय हिंद जय भारत।